नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत डिम्बर में लगने वाला चार दिवसीय मेला पंचमी चौकी झंडा आगामी 29 अक्टूबर से आरंभ होगा। ये जानकारी देते हुए मेला कमेटी के अध्यक्ष मियां सुंदर सिंह ने बताया कि मेले का शुभारंभ पारंपरिक पूजा के साथ होगा और मेले में आने वाले दुकानदारों को प्लॉट निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। चार दिवसीय इस मेले में स्वर्गीय गुरु वीरेंद्र झाला की याद में एक विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा। इसमें विजेता पहलवान को माली के रूप में 51,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। मेले में चौथी और अंतिम भेंट 1 नवंबर को ली जाएगी और उसी दिन गिरी नदी में स्नान के साथ मेला संपन्न होगा। राजगढ़ से हमारे संवाददाता जीडी शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पर मेला आयोजन के लिए जैसा कि आप समझी थी कि ये मेला दिवाली के उपरांत पटु पंचमी से और अष्टमी तक मनाया जाता है। इस बार पहली बार यहाँ कमेटी गठित की गई है जो कि एक मेले के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। इसके प्रधान हमारे सुंदर सिंह जी ठाकुर आपको आगे की जानकारी देंगे। धन्यवाद। इस साल कई वर्षों के बाद ये मेला शुरू किया जा रहा है। कुछ दिन पहले कमज़ोर था सड़क में, इसकी मेला कमेटी की तरफ से दुकानें लगती थी। इस बार हमने ग्राउंड चेंज किया है। हमारा सभी दुकानदारों से और लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि मेले की शोभा बढ़ाएं, दुकानदार टाइम से आके अपना स्थान ग्रहण करें, जगह चिन्हित कर दें और निःशुल्क हम दुकानदारों को इस बार दुकानें देंगे और जितने भी प्रोग्राम होंगे इस नए स्थल से ही शुरू होगा हमारा मेला। दंगल का विशेष करके यहीं पे दंगल होगा और दंगल के लिए जो भी हमारी कमेटी है आज बैठेगी, जो भी फैसला करेगी, जैसे पहले इसमें दे दिया कुछ माली का 51,000 की घोषणा कर दी है, इस पर हम आज विस्तार से सोच विचार करेंगे और जो भी हमारा निर्णय होगा वो अंतिम होगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।